नमस्कार, मैं बाबूलाल बिकोनिया, सीनियर लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बाड़मेर। सेकंड ईयर का एक सब्जेक्ट है सर्किट एनालिसिस, कोड है EL 202, उसमें एक चैप्टर है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो आज हम यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो व्हाट इज़ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यदि सिंपल भाषा में बताऊं तो टी डोमेन का कोई भी यदि फंक्शन है उसको हम एस डोमेन में चेंज करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड के माध्यम से। अब टी डोमेन का फंक्शन कौन से हो सकते हैं, जैसे अल्जेब्रिक फंक्शन है, टी रेस्ट पाव जीरो है, या टी में है, या टी स्क्वायर की फॉर्म में है, ये होते हैं अल्जेब्रिक फंक्शन। ऐसे जैसे साइन टी, कोस टी, ये वाले जो फंक्शन है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ऐसे ई की पावर में है, ई की पावर ए टी, ई की पावर बी टी, ई की पावर माइनस टू टी, ये कहलाते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये जो फंक्शन है ये टी की फॉर्म में है, इसको हम एस डोमेन में चेंज करते हैं किस मेथड का यूज करके, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज करके। तो इसके लिए सबसे पहले एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हम पढ़ेंगे। यहाँ देखिए मैंने लिखा है फंक्शन है एफ ऑफ टी, ये अल्जेब्रिक भी हो सकता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है, ये एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है। एल है, एल का मतलब होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इक्वस टू। यहाँ देखिए मैंने क्या किया, जो फंक्शन जिसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है वो एफ टी लिखा, इसको मल्टीप्लाई किया है ई रेस टू पावर माइनस एस टी से, और उसका हम पूरे का हम एक इंटीग्रेशन करते हैं और इसकी लिमिट लेते हैं जीरो माइनस से इन्फाइनाइट तक, इसका हम पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये एफ टी का जो फंक्शन है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के बाद में ये बन जाता है एस में, इसको हम लिख देते हैं कैपिटल एफ एस। अब देखिए यहाँ ये जो फंक्शन है इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं, इसकी जो लिमिट है ये जीरो माइनस से इन्फाइनाइट है। ये लिमिट का आपने पढ़ा होगा, जो लिमिट जीरो माइनस है ये इधर हम इसके, इसको हम जीरो माइनस के बाद में आता है जीरो, और जीरो के बाद में आगे इन्फाइनाइट आता है। तो इसको हम दो भागों में इसको ब्रेक कर लेते हैं लिमिट को, जीरो माइनस से जीरो, और ये जो पूरा का पूरा है यहाँ पे हम लिख देते हैं, फिर प्लस जीरो से इन्फाइनाइट, और इसको आगे इसको लिख देते हैं। तो यहाँ देखिए ये मैं आपको बताऊँ, देखिए यहाँ ये मैंने जीरो लिखा है, जीरो के इस साइड में आगे जाएंगे तो आपका इन्फाइनाइट आएगा, और इस साइड में आपका जीरो माइनस है। तो मान लीजिए जीरो माइनस यहाँ है तो जीरो माइनस से जीरो और जीरो से इन्फाइनाइट, ऐसे ये इसको जो लिमिट है इसको हमने दो भागों में इसको ब्रेक कर लिया। अब देखिए आपका एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो यहाँ पे हम जो ये जो आपके सिलेबस में जो फंक्शंस दिए हुए हैं उन फंक्शन का हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है, फाइंड आउट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। फंक्शंस कौन कौन से दिए हुए हैं, यूनिट स्टेप फंक्शन, रैंप फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो सबसे पहले हम जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है वो है आपका यूनिट स्टेप फंक्शन। तो यूनिट स्टेप फंक्शन का हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने से पहले हम ये डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज द यूनिट स्टेप फंक्शन। यहां देखिए यूनिट जो लिखा हुआ है, यूनिट का मतलब होता है वन। अब देखिए ये एफ टी एक आपका यूनिट स्टेप फंक्शन है, ये टी के विद रिस्पेक्ट हम इसको जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आप देखिए एफ टी जो है यूनिट स्टेप, इसकी वैल्यू वन है कितने पे, जीरो पे, वो जीरो से इधर बढ़ते भी जा रहे हैं तो भी इसकी वैल्यू है वन। तो हम इसको एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिख देंगे, एफ टी इक्वस टू वन वेन टी इक्वस टू और ग्रेटर देन जीरो। तो आप देखिए मैंने यहाँ लिखा है टी ग्रेटर देन इक्वस टू जीरो पे इसकी वैल्यू होती है वन, और इस साइड में होता है जीरो माइनस। आप इस साइड में आप देखेंगे इसकी एफ टी की वैल्यू है जीरो, तो एफ टी इक्वस टू जीरो, टी लेस देन जीरो। अब देखिए हम इसका, हमारे पास में ये ग्राफ है, इसके मैथमेटिकल इक्वेशन आ गया। अब इसकी जो डेफिनेशन है उसका यूज करके लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, उसका इसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, जो हमारी जो डेफिनेशन जो यहाँ दी थी उसको लिख लिया, उसके बाद में इसको दो, इसकी लिमिट को दो भागों में ब्रेक कर लिया।
अब देखिए ये जो लिमिट लिखी है जीरो माइनस से जीरो, तो देखिए जीरो माइनस यहाँ है, जीरो माइनस से जीरो ये मान लिया यहाँ तक है, तो ये जीरो माइनस से जीरो तक कहने का मतलब टी लेस देन जीरो इसी को डिफाइन करता है। इस पे एफ टी की वैल्यू क्या है जीरो, तो यदि आप टी इसकी वैल्यू यहाँ जीरो पुट करोगे तो ये पूरा का पूरा जो है ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा। यहाँ इसमें देखिए आगे जीरो से लेके इन्फाइनाइट तक जो इसको ये वाला रिप्रेजेंट करता है इक्वेशन, इसमें एफ टी की वैल्यू है वन, तो यहाँ एफ टी की वैल्यू मैंने कर दी पुट कर दी वन, ये जीरो है ये वन है, तो इस वाले पूरे को हम सिंप्लीफाई करके यहाँ लिख सकते हैं ई रेस्ट पावर माइनस एस टी इंटीग्रेशन जीरो से इन्फाइनाइट। अब देखिए इसका आपने मैथ्स में पढ़ा होगा इंटीग्रेशन का, यदि कोई एक जनरलाइज ई रेस्ट टू पावर ए टी है उसका हम इंटीग्रेशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू डी टी, तो इसका आता है पहले तो जो ये एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन लिखा हुआ उसको एज इट इज लिख दीजिएगा, फिर इसके पावर में जो है उसको विद रेस्पेक्ट टू टी इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ए टी का टी के विद रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा ए, ए से इसको डिवाइड कर देंगे। तो इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए यहाँ हम ई रेस्ट पावर माइनस एस टी जो है इसको एज इट इज पुट करेंगे, माइनस एस टी का यदि टी के विद रेस्पेक्ट यदि हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस एस आएगा, माइनस एस से डिवाइड कर दिया और इसके हमने लिमिट पुट कर दी लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। अब मैथ्स में हमने पढ़ा है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो नीचे इसके डिनोमिनेटर में माइनस एस दिया इसको हमने बाहर ले लिया माइनस वन बाई एस, फिर हम अपर लिमिट पुट करते हैं ई रेस्ट टू पावर जहाँ टी है वहाँ लिमिट पुट करेंगे तो ई रेस्ट टू पावर माइनस एस इन्फिनिटी माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस एस जीरो, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं फिर माइनस फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं। ये देखिए हमने पढ़ा होगा ई रेस्ट टू पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब होता है वन अपॉन ई रेस्ट टू पावर इन्फिनिटी, और ई रेस्ट टू पावर इन्फिनिटी का मतलब होता है वन अपॉन इन्फिनिटी और ई रेस्ट पर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू आती है जीरो, कहने वाले इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से किसी भी वैल्यू को यदि हम डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है जीरो, और किसी की भी यदि पावर जीरो होती है उसकी वैल्यू होती है वन, तो यहाँ ई रेस्ट पर माइनस इन्फिनिटी की जगह मैंने लिख दिया जीरो और ई रेस्ट पावर जीरो है उसकी वैल्यू है वन, जीरो माइनस वन माइनस वन इससे मल्टीप्लाई हो गया तो वन बाई एस, तो यूनिट स्टेप फंक्शन जो है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1 बाई एस। अब देखिए दूसरा फंक्शन है रैंप फंक्शन, तो वही है पहले हम रैंप फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे और इस ग्राफ से हम इसका मैथमेटिकल इक्वेशन बनाएंगे। इसमें देखिए रैंप फंक्शन जैसे मैं एक सिंपल भाषा में यूज करूं तो अपने घरों के बाहर देखिए जो जो मेन गेट होता है उसके ऊपर हम चढ़ने का जो एक रैंप बनाते हैं वो इसी स्टाइल में होता है, तो ये कहलाता है रैंप, और ये एफ टी और टी के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप होती है, या तो ये मान लीजिए वन यूनिट बढ़ता है तो ये भी वन यूनिट बढ़ेगा, यदि ये टू यूनिट बढ़ता है तो ये वन यूनिट, कहने का मतलब इसमें एक लीनियर रिलेशनशिप होती है और वो हम क्या कैसे निकाल सकते हैं इसके स्लोप से निकाल सकते हैं, तो हम जैसे एफ टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी और इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाने के लिए हमारे को एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है के टी, और के इसका एक स्लोप है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए पहला टी इक्वल्स टू जीरो से और इन्फिनिटी के बीच में ये होगा एफ टी इक्वल्स टू के टी और ये होगा टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। इस साइड में आप देखिए इधर इस साइड में इसकी वैल्यू है आपकी जीरो, तो हम एफ टी इक्वल्स टू जीरो टी लेस देन जीरो। अब हम इसका लाप्लास जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म वही हम इसकी डेफिनेशन जो दी हुई है वो हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी और यहाँ देखिए ई रेस्ट पावर माइनस एस टी एफ टी और इसका इंटीग्रेशन जीरो माइनस इन्फिनिटी टी टी ये इसकी डेफिनेशन पुट कर दी। उसके बाद में इस लिमिट को हमने दो पार्ट्स में इसको ब्रेक कर दिया, ये मैं पहले बता चुका, और अब आप देखिए जीरो माइनस से जीरो जो ये वाला जो इक्वेशन है इसमें एफ टी की वैल्यू जीरो है तो यहाँ हम जीरो पुट करेंगे तो पूरा का पूरा ये जो है ये जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस एफ टी जीरो से इन्फाइनाइट जो है उसका इक्वेशन आता है के टी, यहाँ के टी पुट कर दिया। इसके बाद में ये आ गया इसमें के को हमने बाहर ले लिया। अब देखिए जब दो फंक्शंस यदि मल्टीप्लिकेशन में हो तो उनका हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा आई लेट, आई का मतलब इनवर्स फंक्शन, ये लॉग फंक्शन, अल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यदि इनकी प्रायोरिटी बनी हुई है यदि इस तरह से फंक्शन होंगे तो इसको लेंगे हम फर्स्ट प्रायोरिटी,
लॉग को सेकंड, अलजेब्रिक को थर्ड, और ये ट्रिग्नोमेट्री को फिफ्थ, और एक्सपोनेंशियल को फोर्थ, और एक्सपोनेंशियल को फिफ्थ। यहाँ हमारे पास में देखिए फंक्शन है ये वाला, ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ये है अलजेब्रिक फंक्शन। इसमें आप देखेंगे अलजेब्रिक पहले आता है और एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, तो अलजेब्रिक की जो प्रायोरिटी है इसकी हम फर्स्ट लेंगे और एक्सपोनेंशियल की सेकंड लेंगे। तो मैंने इसको देखिए ऐसे लिख दिया, टी फर्स्ट और ये सेकंड। अब देखिए दो यदि मल्टीप्लीकेशन में हो दो फंक्शन, तो उसका हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखते हैं, सेकेंड फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में ई रेस्ट टू पावर माइनस एस टी, ई रेस्ट टू पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस मैं बता चुका, और इसके हम लिमिट लगा देते हैं जीरो से इन्फानाइट, फिर माइनस का साइन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, पूरे का इंटीग्रेशन यही लिमिट लग जाएंगी ये लिमिट, और इसमें फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन टी का टी के सापेक्ष होता है वन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन। तो जैसे इसका जो निकला है ऐसा कैसा इसको लिख देंगे, और फिर इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब देखिए यहाँ जो है इसको हम सिंप्लीफाई कर दें, ये माइनस एस इसको बाहर ले, वन माइनस वन बाई एस। यहाँ जो है जहाँ पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, जहाँ टी है इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर माइनस एस इन्फिनिटी, इसको हम स्मॉल ब्रैकेट में, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट कर दिया आपने, ये आ गया। फिर देखिए ये बाहर है नीचे माइनस, नीचे माइनस एस है, इसको हम बाहर ले लें तो यह आ जाएगा प्लस वन बाई एस, माइनस और माइनस प्लस। फिर ये देखो इसका आगे वापस इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे, इसका मैंने ई रेस्ट टू पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, और इसकी लिमिट ये पुट कर दी, और ये बड़ा ब्रैकेट इसके लगा दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, के बड़ा ब्रैकेट माइनस वन बाई एस, इसकी वैल्यू देखिए ई रेस्ट टू पावर माइनस जीरो, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा, जीरो माइनस जीरो माइनस, इसको यदि हम बाहर लेंगे तो ये है प्लस और ये माइनस, माइनस वन अपॉन एस स्क्वायर, ये हो जाएगा ई रेस्ट टू पावर माइनस इन्फाइनाइट माइनस ई रेस्ट टू पावर जीरो, और बड़ा ब्रैकेट क्लोज, ये पूरा जीरो माइनस वन अपॉन एस स्क्वायर, इसकी वैल्यू जीरो होगी, इसकी वैल्यू वन होगी, ये मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट क्लोज। ये देखिए इसकी वैल्यू माइनस वन आएगी, माइनस वन इससे मल्टीप्लाई होगा था प्लस वन बाई एस स्क्वायर, तो ये के और ये बनेगा वन अपॉन एस स्क्वायर, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया के अपॉन एस स्क्वायर। तीसरा जो फंक्शन है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो यहाँ देखिए ये एक्सपोनेंशियल आपका पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी होता है और नेगेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी होता है। मैंने यहाँ पे नेगेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिया, एफ टी इक्वल टू ई रेस्ट पावर माइनस ए टी, इसका ये ग्राफ दिया गया एफ टी ओ टी के साथ में। तो एफ टी इक्वल टू ई रेस्ट पावर माइनस ए टी, टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे है इसका इक्वेशन, और इक्वल टू जीरो टी लेस देन जीरो, क्योंकि अभी देखिए दोनों इक्वेशन, दोनों आपने फंक्शन पढ़े होंगे यूनिट स्टेप और रैंप फंक्शन में, टी लेस देन जीरो पे फंक्शन जीरो होता है, तो इसमें भी जीरो है। अब मैं आगे इसको डायरेक्ट कर दूंगा, वो जीरो वाला पोर्शन जो है उसको हम जीरो मान लेंगे, तो इसका हम डायरेक्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे, तो वही लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, इस एफ ऑफ टी की जगह हमने ये लिख दिया ई रेस्ट पावर माइनस ए टी, और ये देखिए जीरो से इन्फानाइट, मैंने इसको वो जो जीरो माइनस से जीरो वाली जो लिमिट थी वो जीरो है हो गया, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया, एफ टी की जगह मैंने ये पुट कर दिया। अब देखिए दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, और यहाँ पे मैंने माइनस टी कॉमन ले लिया, तो ये बन गया ई रेस्ट टू पावर माइनस एस प्लस ए टी। अब इस पूरे का हमने जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो पहले इसको एज इट इज लिख दिया, उसके बाद में ऊपर वाला है उसके टी के सापेक्ष उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो आएगा माइनस ब्रैकेट एस प्लस ए, ये पुट। अब इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट हम पुट करेंगे, तो ये नीचे डिनोमिनेटर में जो है इसको हम बाहर ले लिया, तो माइनस वन अपॉन एस प्लस ए, पहले हमने अपर लिमिट पुट किया जहाँ टी है ये लिख दिया, फिर माइनस जहाँ टी है वहाँ लोअर लिमिट पुट कर दिया, ये वैल्यू होती ई रेस्ट टू पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी, माइनस ई रेस्ट टू पावर ये जीरो हो जाएगा। मैं पहले भी बता चुका आपको दोबारा बता दूँ, ई रेस्ट टू पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब होता है वन अपॉन इन्फिनिट, और वन अपॉन इन्फिनिटी का मतलब होता है वन अपॉन इन्फिनिटी, और वन अपॉन इन्फिनिटी यदि होता है उसकी वैल्यू होती है जीरो। यहाँ मैंने वैल्यू इसकी पुट कर दी जीरो, इसकी वैल्यू पुट कर दी वन, जीरो माइनस वन का मतलब माइनस वन, और ये इससे मल्टीप्लाई होके आएगा वन अपॉन एस प्लस सी। ये है लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। थैंक यू।